नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कुपोषित बच्चों व महिलाओं को दे तुरंत उपचार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुपोषण को लेकर ब्लॉक की आशा, आंगनबाड़ी एवं एएनएम कार्यकर्त्रियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं का समय से उपचार कराने के निर्देश दिए। खंड विकास कार्यालय में सोमवार को कुपोषण की समस्याओं को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉ संजय भटनागर ने कहा कि आज के समय में कुपोषण एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी की चपेट में आने से समाज की युवा पीढ़ी खासी प्रभावित हो रही है। थाना भवन क्षेत्र में 281 मरीज अति गंभीर एवं 700 मरीज गंभीर श्रेणी के कुपोषण के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि सभी आशा, आंगनबाड़ी एवं एएनएम की जिम्मेदारी है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी गर्भवती महिला कुपोषण की मरीज है तो उसकी प्राथमिकता के आधार पर तीनों जाँच कराई जाए और पूरा टीकाकरण हो ताकि महिला के कुपोषण का असर बच्चे पर न पड़े। यदि महिला का समय से उपचार नहीं किया गया तो कुपोषण का असर बच्चे में आना तय है। अतः बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए सही और समय से टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है। इस अवसर पर बीडीओ डॉ पंकज कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉ कांति प्रसाद सहित आशा, आंगनबाड़ी एवं एएनएम मौजूद रही। सर, ये जैसे कुपोषण को तो लेके मीटिंग रखी है, इसके बारे में? ये बैठक हमारे कमिश्नर साहब की पहल पर हो रही है, जिन्होंने आदेश दिए कि जो हम ट्रिपल ए की बैठक ग्राम सभाओं में करते हैं ऐसी ब्लॉक पर करें, जिससे कि हम विभागीय समन्वय बना सकें ICDS और स्वास्थ्य विभाग के बीच में। और इसका मतलब यही है कि हम सारी आशा, ANM और आंगनवाड़ियों को बिठा कर एक साथ सारे योजनाओं के बारे में ठीक से जानकारी दे सकें। सर, जैसे इंद्रधनुष के बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मिशन इंद्रधनुष ऐसे ब्लॉक्स में चलाया जा रहा है जनपद के, जिनमें हमारा टीकाकरण का परसेंटेज 90 से कम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इच्छा है कि हर ब्लॉक में और पूरे जनपद में ही 90% से ऊपर टीकाकरण का आना चाहिए। तो ये स्पेशल अभियान 4 महीने के लिए चलेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और इसमें प्रत्येक माह के पहले सोमवार को इसको शुरू किया जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनके टीकाकरण में कमी है उनको इससे पूरा किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अंजना रानी, उस्मानपुर से। आप बताएंगे? हमारे यहाँ थाना भवन ब्लॉक में CMO साहब ने मीटिंग ली आंगनवाड़ी आशाओं की और NMNG की। उसमें कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के बारे में बताया और टीकाकरण के बारे में बताया। जो हमारा इंद्रधनुष प्रोग्राम चलेगा उसमें जो छूटे हुए बच्चे हैं उनके टीकाकरण के बारे में हमें लिस्ट बनानी है, आशाओं को लिस्ट बनानी है, उनका टीकाकरण कराना है पूरा।